Tocando sua xereca, cadu, 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 cadu. आज हमारे शमशान में पहला दिन है, मतलब रात को इधर रुके थे। ये हमारे दोस्त जुहेब का गेस्ट हाउस है, तो मतलब जो भी हैं तो इधर लाजमी है। सही, आपको सब कुछ मिलेगा फैसिलिटीज। तो अभी हम जो है बस निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। ये खेमत, मतलब खेमत और रियान नाश्ते के उसमें लगे हुए। 11 बज रहे हैं, धूप सर पे है, अभी ट्रैक स्टार्ट हुआ है, गंदा हालत है। इधर कोई पानी का चश्मा है इसीलिए इधर रुके हैं, बाकी आगे देखते हैं होता है क्या। तो चढ़ाई अभी स्टार्ट हो गई है। वो पीछे वाला मैदान सारा चल के हम आए इधर, तकरीबन 1.5-2 घंटे चले अभी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हुए। अभी आगे हमने यहाँ से 5 घंटे और चलने, 5 घंटे चल के आज हम स्टे करने यहाँ पर। अभी हम घर सर पहुंच गए और टाइम अभी कितने बज रहे हैं? 2:20। तो 2 बजे तक हम पहुंचे थे इधर। तो अभी खेमत और समीत पीछे हैं, अभी इनको वो लोग आएंगे ऊपर, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इधर स्टे करेंगे आगे जाएंगे। आगे आगे अगर हम जाएंगे तो 3 घंटे का सफ़र होगा, 3 घंटे के बाद हम फिर स्टे करेंगे या तो इधर या उधर। बाकी अभी चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। इधर तकरीबन आधा घंटा हम लोगों ने स्टे करा, चाय शाय वगैरह पिए, अंडे खाए, सही फ्रेश हो गए। अभी तकरीबन आई गेस 3-3.5 घंटे और चलना, फिर दूसरा हरावा आ जाएगा, उधर हमारा स्टे है। स्टे भी उधर है, रात का खाना भी उधर है, सब कुछ उधर ही है। जिधर हमारा दूसरा स्टे है उधर लकड़ियाँ नहीं हैं, तो हमारे शाह साहब उठा रहे हैं लकड़ियाँ, 2-3 लड़के और उठा के फिर खाना उधर ही होगा हमारा। क्या बताना चाहेंगे रास्ते के बारे में? बहुत अच्छा है, ऊपर समीर क्या ताजुआत है? समीर के पेट में गैस है, उसके पीछे चलना चांस ही नहीं है। अभी हम घर सर से 2 घंटे का सफ़र करके, 2-2.5 घंटे का सफ़र करके बस फ्रिजन पहुँचे। तो अभी आज दस्ते होगा, यहाँ पे एक टेंट लगाया नीचे हमने, और यहाँ पे घर भी है इधर, तो स्टे करेंगे यहाँ पे आज। और कल फिर हम सफ़र शुरू करेंगे, कल हम जाएंगे सीधा अरबोपरियन। दिन भर तो कुछ ख़ास नहीं है, हम सिर्फ चलते रहें। और यहाँ पे आज का दिन एंड होता है। गुड नाइट, सी यू टुमारो। दूसरे दिन का हाइक हमारा स्टार्ट हो गया, तकरीबन 2 घंटे हो गए हम चलते हुए। आया कुछ ख़ास तो नहीं है दिखाने के लिए रास्ते में, बस वहीं से हम रास्ता है उसी पे चलना है, और वीरान पहाड़े हैं पीछे। तो आज का प्लान है शाम के 6 बजे तक हमें चलना है, आगे कोई हराव आता है तो वहाँ पे रुकेंगे। मौसम आज थोड़ा सा ठीक है, ऊपर बादल है आसमान में, धूप नहीं है, और सुबह कोई सही बारिश हुई थी। टेंट लीक करके हमारे कपड़े सारे गीले हो गए थे, खैर उसका मसला ही था, वो गुजारा हो गया था।
तो सब ठीक है फिर। कल सुबह से चल रहे और रास्ता सारा यही है, ये रास्ता और ये बैकग्राउंड, और सिर्फ एक मुझे एक्साइटिंग चीज़ दिखी है यहाँ पे, ये ब्रिज। ये थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है, एडवेंचरस लग रहा है। बाकी रास्ता भी काफ़ी एडवेंचरस है खैर, लेकिन यही सेम है और बोर हो रहा है। बस रास्ते की तरफ देखते हुए चल रहे हैं, ऊपर देख पीछे देखने के लिए कोई सीनरी नहीं है। तो खैर दरिया के पास आ गए हम और एक और ब्रिज आया आगे, लेकिन इस बार मैं आपको हमारा वेज दो दिखाता हूँ। वो ऊपर वो देख रहे हैं वो ऊपर, और हमने चढ़ना है उस बार के ऊपर से। पहले वो ऊपर से हम उतरे नीचे, ऊपर से हम नीचे उतरे ब्रिज क्रॉस करना है, फिर वो ऊपर ऊपर जाए। रेज और लेजेन ऊपर दिख रहे, तो आखिरी हालत है अभी, आखिर यार तबारी होनी है। अभी चढ़ाई ख़त्म होने की खुशी आई थी और ये सामने आया है सर, अभी इसके ऊपर चढ़ना है। सर के आगे एक घंटे का रास्ता है, यहाँ पर हमारा स्टे है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, तो बस एक घंटे बाद सर इंशाल्लाह हम लोग अपनी मंजिल पर होंगे। उसके बाद कल चलना है, कल 6-7 घंटे मजीद चलना है। तकरीबन एक नहीं डेढ़ घंटा हम लोग चले हैं, उसके बाद अभी पहुंच गए हैं हराव पे। अभी तैयारी कर रहे हैं कि चाय बनाने के बाद खाना पकाएंगे, खाने के बाद फिर कल पामीर को निकलेंगे। शाह और बाकी रईस लोग वगैरह निकले यहाँ से, यहाँ पे हमारा स्टे था, ये वजाहत भाई और मैं और रियान, नीचे पानी जो है फिल कर रहे, उसके बाद हम भी निकलेंगे। तो इसके बाद 5 घंटे का हाइक है, उसके बाद फिर थोड़ा मतलब हमने रेस्ट करना है, चाय पीना है, उसके बाद फिर वहाँ से फिर 1.5-2 घंटे का आखिरी रास्ता रहता है पामेर के लिए। ये वजह तो रियान आ रहे हैं ये पीछे, और ये लोगों आके ये जो नाला है ये क्रॉस करना। आधे घंटे चलने के बाद हालत फिर से वहीं कल वाली होने लगी है, तो बस मैं इधर एक ही अकेला हूँ, आगे ये पीछे नज़र भी नहीं आ रहे वजह तो रियान, ये आगे अलीजैन वगैरह सब आगे चले गए, लेकिन मंजिल हमारे सामने है। जो भी हो मैं आपको दिखाता चलूँ। 2 घंटे के हाइक के बाद हम पहुँच गए हैं जगह, ये यॉक्स, ये जंगली लोग, काफ़ी आगे जाना है मजीद हमें इस रास्ते से लेके, ये रास्ता है अभी आगे हमारा। बाकी वो गए हैं हसैन और उसका कदम शरफ भाई, तो सही गोली हम रह गए हैं बाकी पीछे। पिछले 3 दिन से हम चल रहे हैं और अभी थोड़े सी सीनरीज आने लगी है पीछे, अभी चलने का मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, और धूप भी सख्त है ऊपर, लेकिन मज़ा आ रहा है अभी चलने का। 3रा दिन है, पिछले 4 घंटे हो गए चलते हुए, और मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है चलने का।
तकरीबन दो दिन चल के तीसरे आज हम जो है दोपहर इधर पहुंचे थे। तो अभी रात होने वाली है और ये लड़के टेंट सेट कर रहे हैं, लेकिन मौसम सही ठंड है, सर्दी बहुत है यहाँ पर। तो हम अरबा प्रियन से शुजरफ पहुंचे थे 3 घंटे में, उसके बाद यहाँ से ऊपर पहुंचे थे शुजरफ। शुजरफ बोलो कौन सा, ये खजसर हो गया खजसर। तो मिंगलिक के बारे में आपके क्या तासुर हैं? मिंगलिक ऊपर देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। किधर देख सकते हैं? उधर क्या है? तो मिंगलिक का जो हमारा चांस था वो चांस बहुत चांस ही कम रह गया। चांस ही रह गया क्योंकि जो रोप, ना रोप है ना हार्नेस है, ना हार्नेस है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमारा इधर जाना कैंसिल हो गया। इससे भी बड़ा ये है, इससे बड़ा वो है, उस पे फिर बर्फ कम क्यों है? बर्फ कम है क्योंकि उधर सूरज ज्यादा पड़ता है। तो हमारा जो पहला व्लॉग है वो इधर ख़त्म होता है, तो हमारा दूसरा व्लॉग में हमारा